नमस्कार, चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मॉनसून आ गया है और साथ में आ गया है फंगल इन्फेक्शंस। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत लोग खुजाते रहते हैं, कुछ छुप के कुछ सामने। तो आज जानते हैं फंगल इन्फेक्शन बार बार रिपीट क्यों होता है, फंगल इन्फेक्शन का क्या है सही इलाज, किस तरह से क्या क्या सावधानियां बरतनी है जिससे कि आप फंगल इन्फेक्शन से फ्री हो सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं डॉक्टर नितिन वर्मा, मैं एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और एक लेजर सर्जन हूं। जब भी मॉनसून या फिर रेनी सीजन आता है तो हम देखते हैं कि क्लिनिक में फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, साथ साथ गर्मी, पसीना, हीट, ये सभी फेवरेबल इन्वायरमेंट हैं फंगस को ग्रो करने के लिए। तो फंगस को जब प्रॉपर खाना और इन्वायरमेंट मिलेगा तो डेफिनेटली वो ग्रो करेगी ही करेगी। आप लोग करते क्या हैं? आप जब भी फंगल इन्फेक्शन होता है, या तो किसी फ्रेंड ने या फिर रिश्तेदार ने कोई रिकमेंड किया कि आप ये ट्यूब लगा लीजिए, ठीक हो जाएगा, या फिर किसी केमिस्ट के पास जाते हैं कि भैया खुजली हो रही है तो कुछ दवाई दे दीजिए, कुछ क्रीम दे दीजिए, तो वो आपको कोई क्रीम दे देते हैं और आप वो लगाते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि लगाते ही आराम आ जाता है, दो दिन में आप ठीक हो जाते हैं, बट जैसे ही उस क्रीम को छोड़ते हैं कुछ दिनों बाद फिर इन्फेक्शन आ जाता है, फिर वही आप मैजिक क्रीम निकालते हैं और फिर लगाते हैं, फिर 3-4 दिन लगाया और ठीक हो गया, छोड़ते ही फिर आ गया वापस। और ये प्रोसेस ऑन गोइंग है, ये चलता रहता है। ये फंगल इन्फेक्शन बार बार क्यों आता है, इस बात को ध्यान रखिए कि जो भी क्रीम्स आप लगाते हैं, या तो केमिस्ट की दी हुई हो या किसी रिलेटिव की दी हुई हो, फ्रेंड की दी हुई हो, जब भी आप लगाते हैं उसके अंदर स्टेरॉयड होते हैं। स्टेरॉयड बेसिकली आप कॉमन लैंग्वेज में समझाएं तो स्टेरॉयड फंगस का खाना है। आप फंगस को खाना खिला देते हैं, जब फंगस को खाना खिलाते हैं तो वो खाने को खाएगी और आपकी स्किन नहीं खाएगी, कुछ दिन उसका पेट भर जाएगा तो आपको लगेगा ये ठीक हो गया है, और जैसे ही उस ट्यूब को लगाना बंद करेंगे, फंगस को खाना कम देंगे, तब वो आपकी स्किन को दोबारा खाना शुरू करेगी और फंगल इन्फेक्शन वापस आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है जब भी फंगल इन्फेक्शन हो तो इनिशियल स्टेज पे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और उसको इलाज कराएं, चाहे आप सरकारी अस्पताल में जाएं, कहें डिस्पेंसरी में जाएं, चाहे प्राइवेट क्लिनिक में जाएं, अस्पताल में जाएं, आप कहीं पे भी जाके उसको ट्रीट कराइए इनिशियल स्टेज पे। बार बार आप जब ये प्रोसेस करते हैं उसके कारण फंगस इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उसके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। जब बाद में किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को आप दिखाते भी हैं तो प्रोसेस वही रहता है कि जब तक दवाई करते हैं आराम हो जाता है, छोड़ते ही फिर हो जाता है, बिकॉज फंगस फिर मरती नहीं है, फंगस के अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है दवाइयों के प्रति, वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है और साथ साथ वो स्पोर्स दे देती है, बेसिकली अंडे बोलते हैं जिन्हें, तो स्किन के अंदर जब अंडे आ जाते हैं तो मारना बहुत ही मुश्किल है उन्हें। तो डर्मेटोलॉजिस्ट भी क्या करें इसमें, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना खराब करके केस डॉक्टर्स के पास आते हैं तो डॉक्टर्स भी इसमें क्या करेंगे। इतना स्टेरॉयड लगा लगा के स्टेरॉयड क्रीम्स के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, स्किन में वाटर रिटेंशन कम हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन पतली और थिन हो जाती है, तो फंगस तो उसमें और ईजिली ग्रो करती है। तो जानते हैं अब क्या है सही इलाज इस फंगस का। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है माइंडसेट। अपना माइंडसेट रखिए कि जब तक फंगस मेरे साथ है मैं इसको प्रॉपर तरीके से इलाज कराऊंगा या इलाज कराऊंगी, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास ही जाके इलाज कराऊंगा, एक दिन भी बिना डॉक्टर की सलाह के ना तो मैं क्रीम लगाऊंगा ना ही मैं दवाइयाँ खाऊंगा, तब तो आप ठीक हो सकते हैं। और आपको मैं ये भी बता देता हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने के बावजूद भी 2-3 बार ये वापस ज़रूर आएगा, और जब भी आए इनिशियल स्टेज पे ही डॉक्टर के पास पहुँच जाइए तो ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इसका जो मेन ट्रीटमेंट है, मेन इलाज है, वो है स्वच्छता। स्वच्छता ही इलाज है, जितना साफ और स्वच्छ रह सकते हैं रहने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग आप अस्वच्छ हैं या फिर साफ नहीं रहते हैं, इस कंडीशन में जब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो स्वच्छता 10 गुना बढ़ानी पड़ेगी, जैसे कोरोना टाइम में करते थे। आप सुबह के कपड़े रात में चेंज करें, रात को फ्रेश कपड़े पहनें, आज का कपड़ा कल ना पहनें, कपड़े बिल्कुल भी रिपीट ना करें, बेडशीट डेली चेंज करें, टॉवल को सुबह अलग और रात में अलग इस्तेमाल करें, अपने सभी कपड़े डेली धोएं, डेली वॉशिंग मशीन में डालें और डिटर्जेंट से धोएं और धूप लगाएं कपड़े, और उसके बाद डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी हैं उसे समय से लीजिए। देखिए, दवाइयों का नाम पता होने से कुछ नहीं होता है। आप ज़्यादातर लोग हमारे पास आते हैं, आइट्राकोनाजोल, कीटाकोनाजोल, डॉक्टर साहब ये तो हमने बहुत खा ली है, इससे कुछ नहीं होता। अरे भाई, प्रॉपर कोर्स होता है,
अब आप किसी झोला छाप डॉक्टर के पास चले जाते हैं जो कि डिग्री भी नहीं है जिनके पास, उनसे जाके इलाज कराओगे तो उनको सिर्फ नाम ही पता है दवाइयों का, ये नहीं पता कि क्या पैटर्न है, कब कितनी डोज देनी है, कब तक देनी है, ये सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट को ही पता होता है। आप केमिस्ट से दवाई लेते हैं, केमिस्ट को ये नहीं पता कि कब तक चलानी है, कब डोज रिड्यूस करनी है, कब चेंज करनी है एंटीफंगल, कब दो एंटीफंगल्स देनी है, ये डर्मेटोलॉजिस्ट को ही पता होता है। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस में अपना इलाज करें, घर में अपने आप दवाइयाँ मत खाएं। जब आपको बुखार होता है, आप डॉक्टर आपको क्रोसिन या पैरासिटामोल देता है, तब आप ये कहते हैं डॉक्टर साहब ये पीसीएम ये पैरासिटामोल तो मैं पहले बहुत खा चुका हूँ, अब नहीं खाऊंगा, इससे मेरे कुछ नहीं होता, तब भी खानी पड़ती है। तो समझें इस बात को कि जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करें दवाइयाँ तो प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करें। दवाइयों का नाम सुना होने से या फिर आपने पहले कभी खाई है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही जानता है कि कितनी आपको बीमारी है, किस स्टेज पर है, कितनी दवाई देनी है, कितनी एंटीफंगल्स यूज करनी है। कुछ लोग ये भी सवाल पूछते हैं जब स्टेरॉयड क्रीम इतनी खतरनाक है तो मार्केट में आती क्यों है। देखिए स्टेरॉयड्स आर वंडर ड्रग इफ यूज्ड जुडिशियसली एंड डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स आर ट्रेंड इन गिविंग एंड यूजिंग स्टेरॉयड्स। सो इनिशियल स्टेज में जब इन्फ्लेमेशन रेडनेस ज्यादा होती है तो कभी कभार जरूरत पड़ती है, बट वो कंडीशन डर्मेटोलॉजिस्ट ही डिसाइड कर सकता है, आप लोग खुद नहीं या फिर कोई झोला छाप डॉक्टर नहीं। तो ध्यान रहे, बिल्कुल दवाइयां अपने आप ना लें और स्वच्छता रखें और इलाज प्रॉपर करें, रिपीट होने पर भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाएं, पर्चे पे उसकी दवाइयां देख के दोबारा वो अपने आप ना लेके आए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ इस चैनल से वैल्यू मिलती होगी और हमारा जो कंटेंट है आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आप स्वच्छ और साफ रहेंगे तो डेफिनेटली फंगल इन्फेक्शन से फ्री हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।